hello dear friends good morning how are you i hope all are you well at your house so today onwards i'm going to teach you the next part of this lesson and in this lessons we are discussing about the on the face of it in this lessons we have two main characters mr lamb and derry mr lamb is a old man and Mr. Derry is a fourteen years old boys. They have the different views of the world. One thing is the negative and one thing is it is the positive. and they make the conversation. So what they converse converse I'm going to teach you in this part. ओके सो लेट्स स्टार्स देखिए क्या कह रहा है मिस्टर लैम नो नोट द होल ऑफ यू नहीं नहीं आप पूरे नहीं हो नोट ऑफ यू आप नहीं हो डैरी कहता yes, हाँ, है यस हाँ पर्स रुकता है मिस्टर लैम कहता है लेटर ऑन बाद में व्हेन इट इज अ बेटर कॉलर जब कुछ ठंड हो जाएगी आई विल गेट द लैंडर मैं सीढ़ी लेके आऊँगा एंड आ और एक स्टिक लेके आऊँगा एंड पुल डाउन दोज क्रैप एपल्स और उन पके कच्चे सेव को उतार लूंगा दे आर रिफोर इट वो पक गए हैं आई मेक जेली और मैं इसे क्या बनाऊंगा जेली बनाऊंगा इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर्स ये है साल का बहुत ही अच्छा समय होता है कौन सा सितंबर सितंबर जो महीना होता है बेटा जेले बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सही समय होता है लुक एट देम उनको देखो ऑरेंज एंड गोल्डन ऊन ऑरेंज ऑन सुनहरे कलर के डेट्स मैजिक फ्रूट ये जादुए फल है आई ऑफन से मैं हमेशा कहता हूँ बट इट इज बेस्ट पिक एंड मेड इन टू जेली मतलब अभी इनको अच्छे अच्छे उनको मैं चुनूंगा और इनके क्या बना दूंगा जेली बनाऊंगा यू कुड गिव मी आप किसी इंसान से सहायता लेना चाहते हो तो आप उसको ये सेंटेंस यूज कर सकते हो कर सकते हो कुड यू गिव मी your हैंड की क्या आप मेरी सहायता करोगे तो इसमें कह रहा है कि आप इसमें मेरी सहायता कर सकते हो डेरे कहता है कि वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर कि भाई आपने जो सारा मैटर क्यों चेंज कर दिया पीपल ऑलवेज डू डेट लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं डोंट यू आस्क मी आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हो वाई डू यू डू दे डू एंड आप ऐसा क्यों करते हो एंड वट दे जो दूसरे करते हैं डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू जो दूसरे बहाना करते हैं ये सही नहीं है एंड इट इज हेयर और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ केस आई सी यू लुकिंग मतलब इस अवस्था में आपको देख सकता हूँ आपको बुरा लगेगा और ये आप अपसेट हो हो सकते आई विल टेल मैं आपको बताऊंगा यू डोंट आस्क मी आप मुझसे नहीं पूछोगे बिकॉज यू आर अफ्रेड हो क्योंकि आप इससे पूछने से डरते हो मिस्टर लैम कहते हैं यू वांट मी टू आस्क आप मुझसे पूछना चाहते हो से सो so. तो आप बताइए देन डैर कहता है कि आई डोंट लाइक बींग विद पीपल मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ एनी पीपल किसी भी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ मिस्टर लैम्प कहता है कि आई सूट से मैं कहना चाहूँगा टू लुक एट इट इसको देखकर कर आई सूट से मैं कहना चाहूँगा यू गोट ब्रन इन अ फायर कि आप आग में जल गए हो डैर कहता है कि नॉट इन अ फायर आग से नहीं जला जलाऊं। आई गोट एसिड ऑल डाउन डेट साइड ऑफ माई फेस जो मेरे चेहरे का जो ये हिस्सा है इसके ऊपर क्या गिर गया था भाई एसिड गिर गया था एंड इट बर्न इट अवे और इसने मेरे आधे चेहरे को जला दिया है इट इट एट माय फेस अप इसने मेरे चेहरे को खा लिया है इट एट अप में इसने मुझे बर्बाद कर दिया है एंड नाउ इट इज लाइक एंड डेट इट वॉन्ट एवर बी डिफरेंट और इसी तरह से और ये पूरे जीवन के अंदर कभी भी नहीं बदलेगा जैसा मेरा चेहरा आज है वैसा हमेशा ही रहेगा अब यहां पे आप देख सकते हो आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है बेटा कि यहां पे एक ये चीज है आप इसको बेटर तरीके से देख सकते हो कि इसका जो ये चेहरा जला हुआ है और ये मिस्टर लैम्ब है और ये डेरी है ओके आगे देखो मिस्टर लैम कहता है कि नो डेरी कहता है कि एंटी इंटरेस्टेड क्या आप किसी दूसरे इंसान में रुचि नहीं लेते हो मिस्टर लैम कहता है कि यू आर अब बॉय कि तुम एक लड़के हो हु केम इन टू द गार्डन जो आप इस बगीचे में आए हो प्लैटेड वो बहुत से ऐसे आते हैं आई एम इंटरेस्टिंग इन एवरीबडी मैं हर किसी चीज में रुचि लेता हूँ एनी थिंग्स हर चीज में देर इज नथिंग मेड कि यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जिसने भगवान को बनाया डेट डज नॉट इंटरेस्ट में जो मुझे रुचि नहीं देता है जो मुझे प्रसन्न नहीं करता है लुक ओवर देर वहाँ देखो ओवर बिसाइड वॉल उस दीवार की दूरी के ऊपर वॉट कैन यू सी तुम वहाँ पे क्या देख सकते हो डेरे कहते हैं रबीस कूड़ा मिस्टर लैम कहता है रबीस कूड़ा लुक बाय लुक देखो बेटे बच्चे देखो व्हाट डू यू सी तुम क्या देख सकते हो टेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ कि वहाँ पे क्या है <coughs> कुछ घास और कुछ खरपतवार और कुछ बीज मिस्टर कुछ उसको बीज कहते हैं इफ यू लाइक यदि तुम पसंद करते हो देन वीड गार्डन कि ये एक बीजों वाला गार्डन है That, वो क्या है भाई बीज वो फल हैं और वो फूल है क्योंकि एक समय आएगा जब ये अंकुरित तो होंगे और अंकुरित होंगे तो, तो वहाँ पे क्या बनेगा एक पेड़ बनेगा पेड़ बनेगा तो वहां पे फूल आएंगे और फूल आएंगे तो वहां पे क्या बनेंगे फ्रूट्स आएंगे एंट्री एंड हार्ब्स और वहां पे झाड़िया है ऑल सोर्ट्स बट ओवर देयर वीड्स बल्कि ये कहूंगा कि वहां पे क्या है खरपतवार है आई ग्रो वीड्स देयर में वहां पे खरपतवार या बीजे उगाता हूँ वाई इज वन ग्रीन जो कि एक हरा होगा ग्रोइंग प्लांट्स पेड़ के ऊपर पेड़ बदलेगा and flower को, इसको खरपतवार कहेंगे और कुछ इसको क्या कहेंगे Flowers कहेंगे। डिफरेंस इसमें अंतर क्या है इट्स आर लाइफ पूरा जीवन ऐसा ही ग्रोइंग अपना जीवन ऐसे ही बढ़ता रहता है सेम एज यू एंड मी तरह से मैं और आपका जीवन आगे बढ़ रहा है या ग्रो कर रहा है डेरी कहता है कि Where is, we were not the same. हम दोनों एक जैसे नहीं है कहता कि I am old. मैं बूढ़ा हूँ यू आर यंग तुम जवान हो यू हैव गोट फेस तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा है एंड आई अ टीन लेग और मेरी एक टांग किसकी है भाई टीन की बनी हुई नॉट इम्पोर्टेंट ये महत्वपूर्ण बात नहीं है यू आर स्टैंडिंग देयर तुम वहां पे खड़े हुए हो आम सिटिंग हेयर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ वेर इज द डिफरेंस अंतर कहाँ पे है डेरी कहता है वाई यू वाई अ टीन लैग आपकी ये जो पैर है ये टीन की क्यों है मिस्टर लैम कहता है रियली वन गोट ब्लो ऑफ यदि मैं वास्तव कहूँ तो ये बम के अंदर उड़ गई थी ईयर्स बैग काफी साल पहले लैमी लैम सम किड्स से कुछ बच्चे मुझे क्या कहते हैं भाई लंगड़ा लैम यू क्या आपने उनसे कहते हुए नहीं सुना है जस्ता है डजेंट ट्रेवल में और मुझे ये कोई भी परेशानी नहीं देती है डेरी कहता है की बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप अब क्या कहता है की लेकिन तुम इसके ऊपर क्या पहन सकते हो भाई ट्राउज़र पहन सकते हो और इसको कवर कर सकते हो इसको ढक सकते हो एंड नो वन सी कोई भी इसको नहीं देख सकता है दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा और ना ही कोई इसको घूरेगा मिस्टर लैम्प कहता कि, है कि सम डू कुछ घूरते हैं सम डोंट और कुछ नहीं घूरते हैं दे गेट टायर्ड ऑफ इट क्योंकि वो इससे क्या हो गए भाई टायर्ड हो गए मतलब इससे बिल्कुल आदि हो चुके हैं इन द एंड अंत में मैं ये कहूंगा देरी इज ए प्लंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट कि यहां पर बहुत सी ऐसी वस्तु है जिसको घूरा जा सकता है मिस्टर डेरी कहता है लाइक माई फेस जैसे कि मेरा चेहरा मिस्टर लैम कहता है कि इट्स ऑल रिलेट डेरी कहता है थिंग्स सॉरी कहा आ गए मिस्टर लैम कहता है लाइक क्रेब एप्पल्स, भाई उन उनके कच्चे की तरह और वीड्स बीजों की तरह और स्पाइडर्स क्लाइंबिंग लैडर्स और जो एक जो मकड़ी है वो आपने सिल्की किस में जाल के अंदर चढ़ रही है और ऑल और मेरे जो लंबे सूर्यमुखी के फूल डेर कहता है थिंग्स वस्तुएं मिस्टर लैम कहता है कि इट्स आल रिलेटिव ये सभी एक दूसरे के रिलेटिव है ब्यूटी एंड द बेस्ट सुंदरता और क्रूप एक दूसरे का भाई रिलेटिव है डैरी कहते हैं व्हाट्स डेट सपोज टू मीन तो आपका कहने का क्या मतलब है मिस्टर लैम कहता है कि यू टेल मी आपने मुझे बताया डैरी यू नीड नॉट थिंक आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी डेट फेरिस्ट फे स्टोरी बिफोर कि आपने कभी भी परियों की कहानी नहीं सुनी है इट इज नॉट वट यू लुक लाइक ऐसा नहीं कि जैसे आप दिखाई देते हो इट्स यू आर सुंदर वो चीज़ें जो आपके अंदर है सुंदरता वो नहीं है कि जो बाहरी आवरण में दिखाई देता है सुंदर चीज वो है जो आपके दिल के अंदर है हैंडसम हैंडसम इज अ और सुंदर चीज हमेशा सुंदर ही रहती है ब्यूटी लव मॉन्स्टर अब ये क्या कहता है कि एक सुंदर लड़की एक राक्षस से प्रेम करती थी फॉर हिमसेल्फ एंड सी किस्ड हिम जब उसने उसको किय, he changed into a handsome prince. और वो किस किया ही एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया ओनली ही वुट केवल वह नहीं हो सकता ही वुड है ये बात किसके लिए भाई एक मॉन्स्टर के लिए ही है आई वॉन्ट चेंज क्योंकि मैं कभी भी नहीं बदल सकता हूँ ठीक है बेटा आज इतना ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऐसा करता हूं आप सभी समझ रहे हो तो कल फिर मिलते हैं दिस इज ऑल फ्रॉम आर साइट नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू बाय हैव अ गुड डे